हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू रीना व्यास चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आँखों के नीचे जो झाइयाँ हो जाती है, आँखों के नीचे की स्किन में जो रिंकल्स आ जाते हैं, ड्राइनेस आ जाती है, उसकी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आँखों के आसपास की जो जगह होती है उसमें ऑयल ग्लैंड्स नहीं होती है। ऑयल ग्लैंड्स नहीं होने की वजह से वो जो जगह होती है वहाँ पर ड्राइनेस आ जाती है, जिसकी वजह से हमें रिंकल्स आ जाते हैं, फाइन लाइन्स आ जाती है, झुर्रियाँ बहुत जल्दी दिखने लग जाती है। तो ये एक हमने रीज़न जान लिया है। अब हम जानते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना है। तो आपको ऐसी कोई चीज़ लगानी है आँखों के नीचे जिसमें पानी को बहुत ज़्यादा देर तक रोक के रखने की ताकत हो। तो ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमक्टेंट्स। ह्यूमक्टेंट्स जो होते हैं ये एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो पानी को ज़्यादा देर तक आपकी स्किन में रोक के रखते हैं, जिसकी वजह से ड्राइनेस नहीं आती है। ह्यूमक्टेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे क्रीम में, लोशन में, इवन हेयर की जो क्रीम आती है, हेयर के जो लोशन आते हैं उसमें भी ये यूज़ होते हैं। ये स्किन को हाइड्रेट रखते हैं। अब हम ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों की ही बात करते हैं, मैं अधिकतर नेचुरल चीज़ों पे फोकस करती हूँ। तो आज मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि नेचुरल ह्यूमक्टेंट्स कौन से होते हैं। तो नेचुरल ह्यूमक्टेंट्स में सबसे पहले हमारा आता है मिल्क। कुछ घरेलू चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जिसमें ह्यूमक्टेंट्स होते हैं, मतलब कि ये पानी को ज़्यादा देर तक, इसको लगाने से आपकी स्किन में ज़्यादा देर तक मॉइस्चर रहेगा, ज़्यादा देर तक पानी रहेगा और ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मिल्क की। आपको क्या करना है, थोड़ा सा मिल्क लेना है और मिल्क लेने के बाद में आपको फेस को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करना है। मिल्क वैसे भी डीप क्लिंजिंग का काम करता है, आप इसको पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, लेकिन स्पेशली आज हम बात कर रहे हैं आंखों के नीचे जो ड्राइनेस हो जाती है, जो रिंकल्स, झुर्रियाँ पड़ जाती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको मिल्क लेना है और मिल्क को आंखों के नीचे धीरे से हल्के हाथों से आपको लगाना है और लगाने के बाद इसको ऐसा का ऐसा छोड़ देना है। ये जो चीज़ें आप डेली कर सकते हैं, आप रेगुलर भी अगर इसको लगाएंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा, क्योंकि मिल्क हमें कभी भी नुकसान नहीं करता है। दूसरी एक और चीज़ है कि किसी भी तरह का आपके पास फ्रूट हो जिसमें मॉइस्चर हो, ऐसा फ्रूट भी आप लेके आंखों के नीचे लगा सकते हैं थोड़ी देर तक, और उसके बाद में आप उसको हल्के हाथों से, आंखों के नीचे प्रेशर नहीं देते हैं क्योंकि ये स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। तो यहाँ पर आपको प्रेशर नहीं देना है, पर यहाँ पर आपको हल्के हाथों से मसाज करते हुए उसको निकाल देना है। उसके बाद में सबसे बढ़िया और जो सभी के घर में इजीली अवेलेबल हो जाता है और स्किन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है जिसमें नेचुरल ह्यूमक्टेंट्स है, वो है हनी, हमारा शहद। शहद आपको लेना है और शहद लेके आपको उसको आँखों के नीचे लगा के रखना है। ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये तीन चीज़ें, ये तीनों आप डेली इसका यूज़ कर सकते हो, डेली आप आँखों के नीचे लगा के रख सकते हो इसको आँखों के नीचे। आपको हनी को आपको ज़्यादा देर तक नहीं रखना है क्योंकि ये बहुत चिपचिपा होता है, तो आप इसको पूरी रात नहीं रख पाएंगे। मिल्क को रख सकते हैं, या आप अगर नहीं भी रखना चाहते हैं तो आप इसको 15 से 20 मिनट अपनी आँखों के नीचे लगा के रखियो और फिर उसको धीरे से नॉर्मल वाटर से उसको क्लीन कर लीजिए। थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि आपके आंखों के नीचे की जो जगह है वहाँ पे रिंकल कम होने लग गए हैं और वो वाला एरिया भी आपका अच्छी तरह से मॉइस्चराइज रहता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई कुछ घरेलू बातें, कुछ नेचुरल चीज़ों की बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों के पास आती हूँ ताकि आपकी जो प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन आपको घर पे ही मिल जाए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं आप मुझे, मैं बराबर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।